वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये दो रंगों का झालर वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को फ्रेंड्स बनाने के लिए आपने तीन कलर के ऊन लेने हैं, या तो आप दो कलर का भी ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी है। देखिए एकदम यूनिक सी डिज़ाइन है, आप लोगों ने अभी ऐसी डिज़ाइन नहीं देखी होगी, पक्का ये मैं बोल रही हूँ गारंटी के साथ। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने दो झालर वाले अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, एक में तो दो कलर का मैंने बनाया, एक में सिंगल कलर, लेकिन ये शेडेड कलर है, यानी दो कलर एक साथ चल रहे हैं। प्लस फ्रेंड्स इसको मैंने सिलाई और क्रोशिया की मदद से बनाया हुआ है, जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बनता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई में फंदे डाले हैं, प्लस ये चीज़ जो मैंने झालर बनाई हुई है इसको मैंने क्रोशिया से बनाया हुआ। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। आप इसे किसी भी पैटर्न पे यूज कर सकते हैं, स्वेटर पे, शॉल पे। शॉल पे तो बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स। शॉल या स्टॉल पे आपने इसका पूरा लेस बॉर्डर रखना है, तो बहुत ही प्यारा एज लाइक जैसे फ्रेंड्स देखिए रेडीमेड लुक आता है वैसे ही आएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। सबसे पहले आपने एक सिलाई लेना है, सिलाई पे हमने फंदे लेने हैं। फंदे डालने के लिए फ्रेंड्स आप मोटी सिलाई का यूज करें तो और बेटर होगा। चलिए यहाँ पे हम फंदे डाल लेते हैं। फंदे थोड़ा सा हम आपको 3 के मल्टीपल आपका फंदा पड़ेगा, क्योंकि हम तीसरी चैन में हमेशा बनाएंगे इस बॉर्डर को। तो यहाँ पे मैं कुछ फंदे डाल के आपको बताती हूँ कि आपने फंदे कैसे लेने हैं। आपने सिंपल फंदे जैसे हम स्वेटर में लेते हैं, सेम वही फंदे लेने हैं। देखिए आपने धागे को डबल करना है, हम थोड़ा सा आपको बना के दिखाएंगे थोड़ी सी। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि वीडियो एकदम शॉर्ट में बने, ताकि आप लोग अच्छे से और जल्दी समझ जाएं। तो देखिए यहाँ पे हम फंदे आपने लूज रखने हैं, जितना लूज फंदा रहेगा उतना ही अच्छा ये डिज़ाइन बनेगा, क्योंकि क्रोशिया हमने डाल के बनाना होता है, तो लूज फंदा रहेगा। या तो आपने 6 नंबर की मोटी सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 के मल्टीपल चलिए हम फंदे डाल लेते हैं। ऐसे ही आपने ये फंदे आप जैसे भी डालते हैं फ्रेंड्स वैसे डाल लें, फंदे डाल लें। ये एकदम यूनिक सी डिज़ाइन है, क्रोशिया और सिलाई की मदद से, यानी जो क्रोशिया चलाते हैं वो भी आराम से बना लेंगे, और सिलाई वाला तो मैंने आप लोग को बताया ही है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये इतना सा फंदा डाल लिया, लगभग 10-12 फंदे हमने ये 3 के मल्टीपल हमने फंदे ये डाल लिए। तो यहाँ पे लास्ट में एक फंदे और हम डाल देते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए हमने फंदे डाल लिए। अब आपने क्या करना है, आप चाहें तो दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं इसके, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे पिंक कलर का लिया है, उसके अलावा येलो और ग्रीन कलर लिया है। ये झालर देखिए दो कलर, लेकिन यहाँ पे मैं ये कलर लूँगी, इसके साथ मैं पिंक ऐड करूँगी, यानी ब्लू के ही साथ मैंने पिंक लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पिंक कलर यहाँ पे जोड़ लिया है। अब पिंक और ब्लू का मैं एक साथ बना के चलाऊँगी। देखिए तो पहले आपने ये देखिए हमने ये इसको देखिए आपने एक स्केल लेना है मेजरमेंट के लिए। मैं बता रही हूँ इसमें मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, छोटा बड़ा मैंने जानबूझ के बनाया है। अब देखिए इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्केल लेना है। तो देखिए आपने मेज़र कैसे करना है, ये देखिए स्केल हमने लिया और यहाँ से आपने मापना है। देन इसके बाद हमने देखिए इसी के नाप का इसको हमने ये धागे को डबल कर देना है एकदम बराबर। देखिए ये 6 इंच का होता है, आप इससे छोटा बड़ा बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे इस धागे को यहाँ पे डबल कर लिया है। अब देखिए इसको डबल करने के बाद आपने इसको सिलाई पे ऐसे पकड़ना है अंगूठे की सहायता से। अब देखिए इसको हम फिंगर में डाल के, देखिए इसको फिंगर में डाल के हम 10 से 15 राउंड इसको ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। देखिए तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे, आप अपने हिसाब से 10 से 15 20 भी कर सकते हैं। इसको ऐसे घुमाने के बाद देखिए फ्रेंड्स हमने इसको ऐसे सिलाई पे, ये फर्स्ट वाला है तो इसलिए थोड़ा ऐसे है। तो देखिए सिलाई पे लेने के बाद पहले हम इसको मैनेज कर लेंगे, इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रखें। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे एक हमारा ये बन गया। अब आपने क्या करना है, क्रोशिया लेना है और हम इसको फिंगर में लेंगे, उनको देखिए हम नीचे से लेके और फिंगर में लपेटेंगे। अब इसको हमने जो लूप लिया था
इस लूप को हम ये क्रोशिया पे ले लेंगे। यहाँ से तीसरी वाले चैन में हमने देखिए तीसरी वाले चैन में लेके और यहाँ से क्रोशिया के अंदर से इस लूप को हम देखिए यहाँ से हमने ये निकालना है। इसको पहले आपने अच्छे से मैनेज कर लेना है। यहाँ से देखिए हमने इसको ऐसे निकाल के फिर इसी लूप से हमने देखिए फ्रेंड्स इस धागे को निकालना है। ये देखिए आपने जितना अपने हिसाब से लेंथ रखनी है, ये देखिए हम इसी के बराबर एक जैसे मैंने बताया था वैसे बनेगा, उसके बाद हम ऐसे ही सारा बताएंगे। तो देखिए इसी के बराबर हमने ये लिया है। अब धागे हमने इसके बराबर ले लिया है। अब आपने यहाँ पे देखिए फिंगर से पकड़ना है, उसके बाद ये देखिए आपने ऐसे इसको ऐसे घुमाना है 10 से 15 बार आपने जल्दी जल्दी घुमा लेनी है। ये देखिए फिर इसको हमने ऐसे फिंगर से यहाँ पे पकड़, हमने इसको मैनेज कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने ऐसे छोड़ देना है तो ये अपने आप, ये देखिए हमने ये स्केल से बना रहे तो देखिए एकदम बराबर ये आएगा। फिर आपने क्या करना है इसको देखिए जो ये दोनों लूप है जहाँ से हमने निकाला था, फिर हम यहाँ पे तीसरी वाली देखिए तीसरी वाली चैन में डालेंगे यानी फंदे में। फिर यहाँ से देखिए इस लूप से हम इस फंदे से देखिए निकालेंगे, पहले ये दोनों धागे को हमने फंदे से निकाला, उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद इस लूप से हम निकाल लेंगे। ये देखिए फिर इस लूप से निकालेंगे और इसी में से धागे यहाँ से निकालेंगे। देखिए फिर हम इस धागे को अपने अपने हिसाब से देखिए फिर हम इसी का मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए फिर हम इसी के बराबर ले लिए हैं। अब फिर आपने वही प्रोसेस करना है, ऊन को हमारा पीछे की साइड रहेगा, ये हमारा एक्स्ट्रा धागा है इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए फिर आपने यही करना है, आपने 10 से 15 बार लपेट लेना है। लपेटने के बाद हम इसको ऐसे फिंगर की सहायता से पकड़ के फिर इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये मैनेज हो जाएगा। आप इस सॉरी फ्रेंड्स ये खुल गया, आप इसको सिंगल कलर से भी बना सकते हैं जैसे मैंने इसके पहले बताया है आप लोगों को सिंगल कलर से। जो यहाँ पे मैं डबल डबल धागे ले रही हूँ तो अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि काफ़ी मोटा हो रहा है तो आप यहाँ पे सिंगल धागे से भी बना। तो देखिए इसका हम जब बराबर हम देखिए मेजरमेंट करके ले रहे हैं तो ये एकदम हमारा बराबर आएगा। फिर इसको हम इस चैन मिलेंगे और इस क्रोशिया मिलेंगे। फिर यहाँ से देखिए हम तीसरे फंदे में देखिए तीसरी हुक में तीन तीन फंदे छोड़ के हमने ये डालना है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये 3 के मल्टीपल आपने ये बनाना है। तो देखिए ये सिलाई थोड़ी बड़ी है इसीलिए अब इसको हम इसी चैन में से पहले देखिए निकाल लेंगे, इसमें से निकाला। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये बन गया। फिर हम यहाँ पे एक मेजर कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम 3-4 आपको बना के दिखाएंगे। फिर आपने इसको ऐसे ऐसे लपेट लेना है, लपेटने के बाद हमें आपको इसको ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ पे ये बन के देखिए अच्छे से आ गया है। तो अभी इसको हम इस चैन को देखिए फिर इसको हम इस पर लेंगे। इसको लेने के बाद देखिए एक बार और आप लोग को बता दूँ, फंदे को हम सिलाई के पीछे ले जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे तीसरे धागे में पहले हमने यहाँ से निकालेंगे इन दोनों धागे को। देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों धागे को निकाला, उसके बाद इसके अंदर से हमने ये निकालना है। देखिए इसके अंदर से निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर हमने अब वही बार बार रिपीट करना है। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये बनकर आई है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग ज़रूर इसको बनाएं, ये देखिए तो आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर मेंशन कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये दोनों साथ में बनके फ्रेंड्स। तो आप अपने हिसाब से इसका कलर कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जो कलर आप लोग को अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आप बचे हुए ऊन से भी बना सकते हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रेंड्स। इसको आप देखिए ऐसे आस्तीन पर भी लगा सकते हैं, शॉल स्वेटर किसी भी पैटर्न पर आप इसे लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ दुपट्टे पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये दुपट्टा है, ये देखिए ग्रीन कलर का दुपट्टा है। आपने इस लेस को बना के फिर 2 सिलाई ऊपर से बुन कर फिर देखिए आपने ये जैसे ये हमने दुपट्टा लिया है इसको आप सिलाई मशीन के थ्रू लगा सकते हैं। तो देखिए कितनी खूबसूरत लगेगी जिस कलर का आपका दुपट्टा हो, अगर सिंपल दुपट्टा लेके भी आप उसे
देखिए एक यूनिक सा बना सकती है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।